उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने एक साथी चोर को उस वक्त धर दबोचा जब आरोपी नगर के बीचों बीच स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को काटने का प्रयास कर रहा था। पकड़ा गया युवक विजय सातिर किस्म का अपराधी बताया जा रहा है, जबकि पुलिस पूछताछ में आरोपी द्वारा फरवरी में दिक्कत हो रही क्या खुर्जा में स्थित एक एटीएम काटने की घटना स्वीकार की गई है। आरोपी अलीगढ़ का रहने वाला है। बाहर से किसने लोग कर दिया? साथी के साथ मिलकर आसपास के इलाके में एटीएम काटने की घटनाओं को अंजाम देता था। हालांकि आरोपी इस बार अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले हाथ गिरफ्तार कर। इस दौरान विजय का साथी मुकेश रिटायर खोजी है जो पुलिस को चकमा देकर पैसे निकालने आया। फिलहाल पुलिस विजय से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने अब तक काटने की कितनी घटनाओं को अंजाम तलाशी लिस्टी। साथ ही पुलिस मौके से फरार होने वाले मुकेश की अब भी तलाश कर रही है। इधर गया इस गली में मुंह लपेट रखा। विजय ने बताया मेरा साथी रिटायर है, नौकरी नहीं लगी है इसलिए मजबूरी में चोरी का सामान है। इसमें सब कुछ बियर, ये क्या है? बियर नहीं है, गैस कटर है। इसको खोलना दूसरे को। गैस कटर जम्बू दूसरे खोलना दूसरे को। तुम्हारी तो हम बहुत दिन तक तलाश में भाई साहब, रख दो यही रख दो। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? विजय कुमार नाम है मेरा, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। कितनी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हो और कितने लोग काम करते हैं तुम्हारे साथ? एक ही करी है। पहली है। पुलिस कहती है कि इससे पहले भी तुमने चोरी की थी खुर्जा में, कुछ भी कह सकते हैं। क्या मजबूरी रहती है जो तुम्हें इस तरह के काम करने पड़ते हैं? सर यही है कि आपने जॉब ही नहीं मिलती है कहीं पे। पढ़े लिखे हो? जी। कितने? इंटर। अच्छा, इंटर करे हो। जी। तो ग्रोह के साथ काम करते हो, कितने लोग? सर कोई ग्रोह नहीं है, दो जने थे, एक मैं एक रिटायर फौजी हैं। इससे पहले तुम रैकी वगैरह करते हो? कुछ भी नहीं। क्या नाम है रिटायर फौजी का? मुकेश राघव। मुकेश राघव जी, रिटायर फौज से रिटायर? जी। ऊपर देख लो सर, एक एटीएम से चोरी करते मौके से पकड़ा गया है, क्या इसका आपराधिक इतिहास है और क्या कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं? रात में खुर्जा नगर की पुलिस गश्त कर रही थी, उसी बीच उनको संदेह हुआ। एक वहाँ पर एटीएम एक्सिस बैंक का था जिसको जो खुला हुआ था, तो उस पर संदेह पर इन्होंने जब छानबीन की तो वहाँ पर एक विजय नामक व्यक्ति पाया गया जो अलीगढ़ का रहने वाला है। और उससे जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि वो एटीएम काटने का प्रयास कर रहा था। उसका एक साथी और था जिसका नाम मुकेश था, वो अरनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यद्यपि वह भाग गया मौके से, उस पर उनको ला करके खुर्जा नगर पुलिस द्वारा मुकदमा कायम किया गया है, अपनी तरफ से मुकदमा कायम कर लिया गया है इसमें, और जो अन्य वैधानिक कार्रवाई है उसको कराया जा रहा है। मुकेश की भी छानबीन की जा रही है, जहाँ तक उनके आपराधिक इतिहास की बात है उसको भी देखा जा रहा है कि उनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। जैसा भी थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि एक पूर्व में फरवरी माह में भी एक घटना इसी तरह की हुई थी, पीएनबी का एटीएम था, उस घटना को भी उन्होंने स्वीकार किया है और उसका भी इसमें खुलासा किया जा रहा है।